24 आवर्स टीवी के व्यूअर्स वार्ड नंबर 135 के लोग और आले मेरे मुस्लिम सबको ही मैं ईद का मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस साल का ईद थोड़ा डिफरेंट रहेगा। हम लोग रमज़ान में भी रमज़ान की खुशियाँ या रमज़ान की रौनक इस तरह नहीं मना पाए, देख पाए लॉकडाउन की वजह से। ईद में भी जहाँ तक दिख रहा है कि ईदगाह में नमाज अदा नहीं की जाएगी और घर पे ही शुक्राना या नफिल नमाज पढ़ के ईद मनाया जाएगा बहुत सादगी के साथ ही, लेकिन फिर भी ईद जो है हमारा त्यौहार है, इसे हम घर पे अपने फैमिली, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने घर वालों के साथ ईद मनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोगों को मद्देनजर रखते हुए इसको हमको देखते ईद मनाना पड़ेगा और हम इंशाल्लाह फिर से अब अगली बार ईद जो है ईद की तरह से ऐसे मनाते हैं, ऐसे मनाएंगे। तो फिर से मेरी तरफ से ईद मुबारक टू यू, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्टे इनडोर, स्टे सेफ, लेट्स फाइट कोरोना टुगेदर। थैंक यू सो मच।